दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में नौजवान धरना दे रहे थे। युवा हल्ला बोल टीम के नेतृत्व में ये धरना हो रहा था, जिसमें एसएससी जीडी 2018 के अभ्यर्थी शामिल थे। ये लोग अपनी नियुक्ति के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तभी दिल्ली पुलिस ने युवा हल्ला बोल के कार्यकर्ताओं और अन्य अभ्यर्थियों को हिरासत में ले लिया। इन सभी को मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन ले जाया गया। एसएससी जीडी 2018 के हजारों अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। एसएससी जीडी 2018 की परीक्षा 3 चरणों में होती है। इन तीनों चरणों में तकरीबन 80,000 अभ्यर्थी पास हो चुके हैं। खबरों के मुताबिक इनमें से लगभग 55,000 अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र मिल चुका है, लेकिन बाकी अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की जा रही है, जबकि इन सभी ने परीक्षा भी पास की है। इसी मुद्दे को लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर युवा हल्ला बोल टीम के साथ हजारों अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। बदले में दिल्ली पुलिस ने कुछ आंदोलनकारियों की पिटाई कर अस्पताल पहुँचा दिया, तो वहीं बाकियों को हिरासत में लेकर पुलिस थाने ले जाया गया। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।